You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. तो भाई आज तो प्रोटीन पीने मजा आ जाएगा। वाह, लाल साहब को तो देखो कितने प्रकार के खाने खा रहे हैं। पहले तो मैं सैलरी खा ली तूने, अब मैं पेंशन में खाने के लिए आ रहा है क्या? चुप कीजिए आप। हमेशा जब देखो तब मेरे बच्चे को खाने के बारे में डांटते रहते हैं। वो खाएगा नहीं तो करेगा क्या? अभी कुछ तो उसकी खाने की उम्र है। चुप रहो, सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम्हारा लाड़ और प्यार की वजह से बिगड़ता चला जा रहा है। पहले मैंने सैलरी खा ली तुमने, अबे पेंशन भी खा रहा है। अबे तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? अबे दम पे कुछ क्यों नहीं करता है तू? अरे चुप रहिए, बताने दीजिए, कुछ ना कुछ तो अपने दम पे करेगा, आगे चल के जरूर कुछ बनेगा। चल भाग यहां से, मरो सालों तुम लोग। तुम बाप बेटे के बीच में बोलना ही बेकार है। और भाई तू सुन, तू खा रहा है तो ठीक है, लेकिन तू अपने दम पे कुछ कर ले। मैं जिंदगी भर तेरा खर्चा नहीं चला सकता हूँ। कुछ काम धंधा अपने लिए ढूंढ लो तुम। पापा। हाँ पापा, वो जो है मुझे थोड़े पैसे चाहिए। किस काम के लिए? ओ पापा, मतलब वो मैं बॉडी थोड़ा बनाना है ना मुझे, तो वो प्रोटीन खाने के जरा मुझे पैसे चाहिए। पैसे? बेटा पैसे तो नहीं है। मम्मी। हाँ बेटे बोल, क्या हुआ? मम्मी देखो यार, मुझे प्रोटीन के लिए पैसे चाहिए और ये मुझे है जो प्रोटीन के पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे देवी जी ना बेचारे को पैसे, बस वो प्रोटीन खाने के लिए तो मांग रहा है। तू सुन, भाग सेंटर अंदर, मरो सालो तुम लोग मरो। पापा दीजिए ना यार पैसे। बेटे सुन, ये ले अपने प्रोटीन के पैसे और मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये पैसे मैं तुझे आखिरी बार दे रहा हूँ, अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ लो, ठीक है? हाँ तो भाई, मतलब ये कहता है यार, घर पे मतलब इतने टेंशन चल रहे यार। पापा जो है डाइट के लिए मतलब भाई दीपक भाई हाँ भाई, बॉडी बिल्डिंग के टिप्स चाहिए। अच्छा, वो डाइट चाहिए? हाँ डाइट चाहिए। ओके डाइट दे रहा हूँ मैं आपको। आपके जैसी बॉडी बनानी है? बिल्कुल बन जाएगी मेरे भाई, टेंशन मत लो। मैं डाइट दे देता हूँ, उसे आप अच्छे तरीके से आप फॉलो करना, ठीक है? ये लो सारी मैंने इसमें डाइट प्लान जो है लिख दिए, आप इसे जो अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी जो है बॉडी बन जाएगी, ठीक है? थैंक यू भाई। इट्स ओके ब्रो। थैंक यू भाई। थैंक यू। ओके वेलकम। चलते हैं भाई। ये क्या कर रहा है तू? क्या भाई, लोग की हेल्प होती। चूतिया होगा। अबे छोड़ यार, इतना होना चाहिए दोस्तों में। भाई यार देख लिया यार, इतना मतलब घर पे फोकस पड़ रहा है, पैसे कम। फिटनेस वाले चलो उनसे मिलते हैं, उनसे डाइट प्लान में कुछ बारे में पूछते हैं। हाँ भाई। और दीपक भाई हेलो। बढ़िया भाई, थोड़ा मैं आपके डाइट के बारे में आपसे कुछ जानना था। हाँ। आपकी बॉडी हमें बहुत अच्छी लगती है, आपका यूट्यूब चैनल हमने देखा है। ओ थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई। डाइट प्लान चाहिए आपको? जी। ओके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो है भाई आपकी ये जो पूरे डाइट प्लान इधर बना के आपको दे दिए, इसे आप प्रॉपर तरीके से फॉलो अगर करोगे तो आपकी बॉडी जो है जरूर बन जाएगी, ठीक है? जी जी भाई। ये लीजिए आपकी डाइट प्लान, ठीक है? थैंक यू सो मच दीपक भाई, फिर कभी मिलते हैं। ओके ओके थैंक यू, वेलकम। क्या कर रहे हो तुम? अरे जान दे भाई, अपने भाई हैं, क्या हो गया? तू बताया ना तो घर पे प्रॉब्लम चल रही है। अरे छोड़ो यार, कोई दिक्कत कॉपी जो बंदे छोड़ के चले गए। चल कोई बात नहीं, अभी बाद में दिल जाएगा, मिलेंगे तो। क्या भाई क्या कर रहा है तू? क्या हो गया भाई? मैं सबको अपने डाइट के बारे में सबको फ्री में बांटते चला जा रहा है। अरे क्या हो गया, अपने भाई इतना तो होना चाहिए। अरे बात सुन। हाँ भाई। बोला है ना तो घर पे प्रॉब्लम चल रही है। हाँ भाई प्रॉब्लम तो यार बहुत चल रही है, पैसे की बात बहुत प्रॉब्लम है। तो इससे तो अपना इनकम ही कर सकता है। कैसे इनकम? कैसे यार? देख ले भाई, मान लो यार ऐसे डाइट के बारे में पूछा। हाँ ठीक है, तू उसको डाइट के बदले कह रहे भाई इतना मेरा चार्ज है,
इतना हम एक डाइट के बदले इतना चार्ज हम लेंगे, ठीक है? हाँ भाई आइडिया से, लेकिन उन्हें बुरा नहीं लगेगा? बुरा क्या भाई, तू अपने मान ले प्रॉब्लम चले तो कुछ तो करने पड़ेगा ही। हाँ भाई बात तो यार, लेकिन सही तो कह रहा है तू। भाई देख, तू उनसे उतने बता जितने की तेरे पास, मतलब जितना वो दे सके। हाँ भाई बात तो सही है, मतलब मैं उन्हें डाइट दूँ तो मैं कुछ अपने लिए चार्ज लूँ, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो? ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। ठीक है तू भाई आज प्रॉमिस कर कि आज के बाद जिसको भी डाइट देगा तू उसको अपना पैसा देगा। भाई यार मैं आज से तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, आज के बाद मैं जिसे भी अपनी डाइट प्लान दूंगा उसे मैं फ्री में नहीं दूंगा, पैसे मैंने कुछ ना कुछ पैसे लूंगा मैं। चल ठीक भाई, ओके भाई। क्या हाल है? अरे बढ़िया भाई, बैठो बैठो। आज कैसे? बस ऐसे ही। हाँ बताओ बताओ। तो भाई क्या हो रहा है? यही चल रहा है। अच्छा जो कल मैं बताया था तुम्हें, हाँ कुछ पैसे से लेना चालू है नहीं अभी? अच्छा वो डाइट प्लान की जो तुमने बताए थे कि सबसे जो डाइट प्लान जो है पैसे दे करके करने चाहिए। हाँ 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 वही। हाँ भाई आइडिया तुमने अच्छा दिया मेरे पास, जब तुमने मुझे कल मोटिवेट किया उस चीज़ के लिए तो मैं उसके बाद जो मेरे पास कुछ बंदे आए थे, मेरे घर पे भी आए थे कि दीपक भाई मैं आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं और मोटिवेट आप बहुत अच्छा करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे भी डाइट बनवा दिए, ऐसे कुछ मेरे पास बंदे आए थे। तो मैंने भी उनसे 200-300 ऐसे लिया, और 3-4 आए थे बंदे, तो मैंने 200-200 सबसे, किसी से 300 किसी से 200 मैंने लिया। भाई आइडिया यार तुमने यार अच्छा दिया था, कुछ इनकम भी हो जा रहा है। पापा जरा पापा मिसेज डांट भी, मैं थोड़ा कम सुन रहा हूँ। चल भाई बढ़िया है। हाँ भाई तुमने मतलब अच्छा प्लान बताया। देखो भाई दीपक भाई बैठे और दीपक भाई बढ़िया भाई, भाई? बढ़िया भाई। भाई आपका चैनल हम डेली देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। ओके हम कई दिन से जिम कर रहे हैं लेकिन मेरा बॉडी नहीं बन रहा है, आप कोई डाइट प्लान बता दें हमको जिससे हमारी अच्छी बॉडी बन जाए। हाँ भाई डाइट प्लान मैं आपको दे देता हूँ। भाई डाइट प्लान तो दे देगा, इसके चार्ज लगेंगे। चार्ज? हाँ भाई चार्ज लगेंगे भाई। भाई नॉर्मली सबसे 500 लेता है, ठीक है, आपसे 200 ले लेगा। ठीक चल ठीक भाई। दे भाई दीपक। ओके मैं आपको डाइट प्लान दे रहा हूँ, इसे आप प्रॉपर तरीके से आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी जो है अच्छी खासी बन जाएगी, ठीक है? भाई आपकी ये डाइट प्लान, इसे आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, ठीक है? ये आपकी डाइट प्लान। थैंक यू भाई। ओके चले भाई। ओके थैंक यू। थैंक यू। वाह भाई। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। तो ठीक ही था। हाँ भाई चाहे बाबू कुछ बोल रहा है, ताने ने मार रहे नहीं तुझे? अरे ताने मारने लायक साला हो रहेगा तब तो मारेगा। पैसे इतना कमा रहा है तू। हाँ भाई टिप्स यार तुमने बहुत अच्छे दिए थे भाई, थैंक यू सो मच यार। दीपक भाई, दीपक भाई हेलो, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आपका यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस आपकी जैसे फिटनेस बनाना है मुझे, आप कुछ टिप्स दे दीजिए, कुछ डाइट दे दीजिए। ओ थैंक यू ब्रो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेरी इतनी तारीफ़ की यूट्यूब चैनल के मेरे बारे में, काफ़ी तारीफ किया उसके लिए, थैंक यू सो मच आपके लिए। और ठीक है मैं आपको डाइट वगैरह देता हूँ, लेकिन उसके जो है कुछ चार्जेस लगेंगे भाई। चार्ज ये सबसे 600-700 यही लेता है, ठीक है, तुम्हारे लिए 400। भाई 400 तो नहीं दे पाऊँगा, 350 में हो जाएगा तो दे दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ठीक है ठीक है भाई, डाइट दे दो इनको। लेकिन भाई मेरी एक बात सुनो आप, मैं जो ये डाइट तुम्हें दे रहा हूँ ठीक है, इसको आप डाइट के साथ साथ आप प्रॉपर जिम करना, प्रॉपर वर्कआउट करना, डिसिप्लिन में आपको रहनी है, तभी जो है आपकी बॉडी जो ग्रो करेगी। ऐसे नहीं कि आप बस डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपकी बॉडी बन जाएगी, आपको जो है ध्यान रखना होगा अपने पूरे वर्कआउट प्रॉपर का और अपने प्रॉपर मील का, ठीक है? ये लो मैंने आपके लिए डाइट ये बना दी है, बाकी मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू डाइट देने के लिए। ओके ओके मोस्ट वेलकम ब्रो। भाई ये आपकी फीस। थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू भाई। ओके थैंक यू, मिलते हैं। ओके ओके बाय। इधर इधर चलो यार।
ओ भाई यार, थैंक यू सो मच भाई यार, 350 लीजिए ये पिप। हुर्रे, आज तो पापा को सारे मैं पैसे दे दूंगा। मम्मी पापा कहाँ है? बुड्ढा वहीं कहीं फ्रिज के पास जाने खा रहा होगा। ठीक है। है पापा, आपने मुझे प्रोटीन के दिए थे कितने? 5,000। मैं आपको दे रहा हूँ कितना है? 10,000। लो अपने पैसे और जरा कम बोलना सीखो, ठीक है? लो बेटा सुनिए यार। हाँ बताइए भाई। शाबाश, बहुत आगे जाएगा तुम। आपका बेटा कौन है? दीपक भाई। हाँ भाई। मान लो तुम ऐसे पैसे कमा रहे हो, ठीक है, सबको डाइट प्लान बता के ये ऐसे पैसे कमा रहे हो। हाँ भाई। साथ साथ एक सजेशन दूँ? हाँ भाई बोलो। तुम एक जॉब भी कर सकते हो, जिम ट्रेनर का। जिम ट्रेनर की जॉब? हाँ भाई, देखते बॉडी भी अच्छी है, ठीक है। हाँ। और जिम में जाओगे या जॉब के लिए तो तुम्हें जॉब एकदम आसानी से मिल जाएगी। इससे क्या होगा, तुम्हारी इनकम भी अच्छी खासी हो जाएगी। जैसे ऐसे करा से बहुत और भी ज़्यादा इनकम तुम्हारी अर्न हो जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, इनकम तो अर्न होनी ही है मुझे लगता है यार। ठीक है, लेकिन इससे अच्छे खासे पैसे मैं अगर जिम ट्रेनर में बन जाता हूँ, किसी जिम ट्रेनर में बन सकता हूँ, तो हाँ मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को कि मुझे वहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, इससे भी अच्छे मुझे पैसे मिल जाएंगे। भाई एक चीज़ और भी हो जाएगी, मान लो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे वजह से मान लो किसी की हेल्प होगी, तो हेल्प होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, किसी की यार जो मेरे पास चीज़ है मैं उस चीज़ को किसी को शेयर करता हूँ, उस चीज़ को मैं किसी को हेल्पफुल करवाता हूँ इस चीज़ के लिए, तो यार मुझे तो मतलब दिल से यार बहुत अच्छा लगता है यार मुझे। भाई ऐसे ही अभी है, मतलब तुम्हारी बॉडी है, तुम दूसरों की बॉडी बनवाओगे तो भी मतलब तुम्हारे लिए। हाँ भाई बेस्ट है, तुम्हारे लिए एकदम रिस्पेक्ट तो करेगा। हाँ भाई रिस्पेक्ट तो बात है, रिस्पेक्ट यार बहुत है। मतलब जितने भी मतलब मैं अपने कुछ पुराने पिछले साल मैं बताऊं अपने बारे में, तो मैं उस समय कुछ YouTube पे जो है वीडियोस बनाया करता था, तो वहाँ पे लोग यार मुझे बहुत सपोर्ट करते, मतलब हद से ज़्यादा सपोर्ट करते थे यार। बहुत कम टाइम में यार मुझे बहुत लोग आगे लेके चले गए, लेकिन वहाँ पे यार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ पे पूरी अपनी वहाँ पे नहीं कर पाया। तो ठीक है, अभी तो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है यार, और बॉडी बिल्डिंग में यार बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के लोग। भाई ऐसे जो करेगा ना, बहुत लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं या उसकी बॉडी बनाना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ भाई ठीक है, मैं जिम ट्रेनर के लिए भाई देखता हूँ मैं। ओके भाई, थैंक यू यार। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? तो भाई लोग, वीडियो आप लोगों को ये कैसी लगी? मैं इस वीडियो के दौरान आप लोग को ये कुछ नोटिस देना चाहूँगा कि अगर आप अपने कुछ शौक़ रखते हो या कुछ भी अपनी ड्रीम रखते हो, या कुछ भी आप पसंद करते हो, उस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो और उस चीज़ में पैसे जो हैं आप पेरेंट्स के ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्चे कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि आप उस माँ बाप के पैसे से पूरे अपने लाइफ के जो है इन्जॉय मत करो, ठीक है। आप कुछ अपने दम पे भी कुछ करना सीखो, ठीक है। माँ बाप के यार पैसे से आप कब तक अपनी लाइफ जी सकते हो? मुश्किल से ये 14-15 साल 17 साल 18 साल मान के चल लेते हैं, लेकिन 18 साल के बाद एक खुद के अंदर ऐसी डिसिप्लिन आनी चाहिए जो आप माँ बाप से लेना पैसा बिल्कुल बंद कर दो। एक चवन्नी आप माँ बाप से कह दो, मुझे एक चवन्नी भी आपके पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। आप खुद से जो है कुछ पैसे अर्न करें, उस चीज़ को अपने शौक जो हो गए आपकी जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ में उसको उस पैसे को लगाएं। माँ बाप से यार आप इतने पैसे मत लो, माँ बाप जो है आपके बहुत मेहनत तरीके से यार पैसे आपके कमाते हैं। तो ये इस वीडियो से मैं आपके लिए सिर्फ यही आपको सेशन देना चाहता था, और बाकी यार इस वीडियो को बनाने के लिए हमें यार बहुत मेहनत लगी है, बहुत यार मानो यार बहुत मेहनत लगी है, यहाँ आ जाके वहाँ जाके भी घर पे शूट करके, और इस सीन में जो है कुछ फ़नी सीन्स भी हैं, कुछ
इस सीन्स में मैंने इस वीडियो में थोड़ा गाली ओली वाली भी बात रख दी है, तो यहाँ पे मैंने अपने मम्मी को या पापा को नहीं लिया, मैंने अपने फ्रेंड्स को ही इस चीज़ में इंक्लूड किया इस वीडियो में। तो यार इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा बहुत मुझे मेहनत लगी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। जो बंदे चैनल पे मेरे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, मिलते हैं ऐसी ढेर सारी फिटनेस मोटिवेशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.